मैं आज किंग भाई से मिलने वाला हूँ, बट भाई लिटरली बता रहा हूँ यार, मैं बहुत ज्यादा कुछ हूँ। सो हे गाइस, सलाम नमस्ते, की हाल चाल, इट्स मी राहुल, वेलकम टू माय व्लॉग एंड माय चैनल राहुल रातोड़। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे थंबनेल में कि मैं आज किंग भाई से मिलने वाला हूँ, जो कि मैं कल से ही प्रिपरेशन कर रहा था। आप सभी को लग रहा होगा कि भाई मैं इतना एक्साइटेड क्यों नहीं दिख रहा हूँ आज के दिन। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, आज का मेरा एक्साइटेड उतना ज़्यादा नहीं है, पर कल जो था ना, आई वॉज लिटरली फ्रीकिंग आउट। सो जस्ट लेट्स जंप देयर यार, देखो आप भी। तो गाइस फाइनली मैं इतने दिन से वेट कर रहा था भाई मैं किंग को कब मिलूं, बट द डे हैज कम फाइनली। भाई आई लिटरली कांट डिस्क्राइब व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ आज के दिन। जिस बंदे को मैं इतना ज्यादा मानता हूँ, मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, और जो बंदे को मैं देख के बहुत कुछ करना चाहता हूँ ना, वो बंदे को मैं कल मिलने जा रहा हूँ। बहुत स्पेशल बंदा है मेरे लाइफ में वो। आई होप कि कल मैं उनसे मिल पाऊंगा, किंग भाई से। यार आई नो एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ सेलिब्रिटी, बट अपन तो ऐसी बंदे, जुगाड़ू बंदे। आई होप कि मैं उनसे मिल पाऊँ, ना मिल पाऊँ तो कुछ दिक्कत नहीं है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम देख ही लेंगे बंदे को कल। भाई कल मजा आने वाला है, कल तबाही होने वाली है, आप देखना। तो कल के दिन देख रहे हो, तो लिटरली मैं यही फील कर रहा था कल के दिन। दैट वाज माय अल्टीमेट रिएक्शन यस्टरडे। सो बिफोर स्टार्टिंग चैनल, मैं सोच रहा था पहले हम डिलीवरी व्लॉग बनाएंगे, बाइक की डिलीवरी का व्लॉग। बट एज यू नो, सभी के लाइफ में हम जब भी कुछ भी प्लान करते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। तो आई ऑल्सो थॉट कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी होगा देखा जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि आज से अपन ट्रैवलिंग ब्लॉग थोड़ा अपन किधर भी घूम रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, आपको मैं दिखाते रहूँ। अल्टीमेटली यू विल सी व्हाट आई एम गोना डू इन माय होल लाइफ, क्योंकि भाई मैं मेरे लाइफ के बुक में वो हर एक पन्ना जब पलटेगा ना, तो वो पन्ने पे मेमोरीज होने चाहिए, क्योंकि भाई मेमोरीज गिव अ मोर इम्पैक्ट रादर देन रिग्रेट्स। तो मैं लाइफ में रिग्रेट्स नहीं रखना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था आप सभी को मेरे चैनल के थ्रू आप सभी लोग मेरे साथ कनेक्ट हो। लेट्स कनेक्ट विद राहुल एंड विद माय होल लाइफ, एंड सभी आप देखो यार क्या क्या करता हूँ मैं आगे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, सुबह के टाइम हो रहा है 8:17 हो रहा है। तो फिलहाल अभी मैं रेडी होके बैठा हूँ, एंड आई एम गोना फिनिश माय ब्रेकफास्ट। जब तक यार आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो हाँ जी बॉयस, फाइनली रेडी होके निकलने की तैयारी चालू है। तो गाइस आज फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज के सीन ऐसे है, मैं यहाँ से हैदराबाद जाने वाला हूँ। मैं अभी जाके बोर्ड करूंगा बस को, उसके बाद मैं मेरे फ्रेंड को मिलने वाला हूँ, जो कि मेरा हैदराबाद का बहुत अच्छा बेस्टी है। उसके बाद आपको जर्नी आगे हम दिखाते हैं यार, देख लो। गाइस बिफोर गोइंग लेट मी इंट्रोड्यूस टू समवन, माय मॉम, शी इज माय मॉम, हाय कर दो यार। तो गाइस फिलहाल आई एम कैरिंग आउट ए बैग विद मी। फिलहाल मेरा आज का आउटफिट यह है, हाउ आई एम लुकिंग। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो मैं आपको सीधा आगे मिलता हूँ, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। रेस्ट लेने के बाद जब तक आप लोग रिमैटिक चेक करो बॉयस। आ चुका हूँ हैदराबाद में, बाकी मैं एक छोटा सा नैप लिया था, तो उसके बाद मैं सीधा आया था कमल के रूम में। तो भाई कमल तो यहाँ पे नहीं था, वो कहाँ गाँव जाके आ रहा था। गाइस लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू, वो जस्ट अभी आया है, एंड हियर इज कमल, हाय कर दो भाई। एंड लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू गणेश भाई एंड राम मोहन भाई एंड शाश्वत।
गाइस बेसिकली बता दूं, आई थिंक मे बी मैं 1 आवर लेट हूं इनके कॉन्सर्ट के लिए। अभी ये भाई, ये बंदा, इसको क्या बोलूं मैं, बंदा बहुत लेट किया है, बस इसकी वजह से पूरा दिन पूरा खराब हुआ है मेरा आज। बट कोई टेंशन नहीं, गाड़ी हमारे पास, तो मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द जाएंगे। तो गाइस आपको सीधा मिलता हूँ मैं इनके कॉन्सर्ट में। तो गाइस फाइनली प्रिज्म क्लच में आ चुके हैं मैं और कमल। गाइस सीन्स तो ऐसा है कि भाई बहुत चिल सीन्स है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो आप, let's create history. Jump, jump. मेरा दिन सा बना दिया तुम लोगों ने, आओ सारे मिलके रात बनाए। किसी को है कोई जोश में? मैंने झूठा कर दिया, चलेगा? वो कह रहा थोड़ा दूर पड़ेगा ना, तो रुक 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 हल्का हाथ पनीर पे, एकदम हल्का हाथ पनीर पे, हाथ हटाओ, हाँ कैच कर लियो। हेलो बॉयज,
फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ आफ्टर ए फ्रीकिंग पार्टी, मजे लेके भयंकर तबाही मचा के फाइनली घर पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते क्लिप्स में कि मैं कितना वाइब कर रहा था भाई। किंग का जो कॉन्सर्ट में जो वाइब होती ना यार भाई, वो लिटरली अलग लेवल की होती है। यू कांट डिस्क्राइब व्हाट यू फील बॉयज। मैं तो भाई फुल तबाही मजे लिए थे व्हेन लिटरली किंग एंटर्ड द क्लब। भाई ऐसा शोर मच रहा था वहां पे, एक एक बंदा ऐसा ऐसा स्क्रीम कर रहा था ना जोर जोर से, भाई किंग 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 किंग। भाई लिटरली उसके फैंस बहुत ही भयंकर है। बट फ्रॉम द ऑल मैं इतना भयंकर उसका फैन था ना, वहां पे सबको प्रूव हो गया कि भाई ये बंदा किंग का बहुत बड़ा फैन है। जब किंग एंटर हुआ, एंटर होने के बाद हैंडशेक किया, मैं सोच रहा था कि भाई मिल लूं उनसे, पर मैं आपको बता दूं सिचुएशंस ऐसे थे कि भाई वहां पे मिलने के कोई चांसेस ही नहीं थे। पता है जो बाउंसर वगैरह उसके पास में और टाइट सिक्योरिटी कर रखा था, सो आई वॉज नॉट एबल टू मीट हिम। जो मैं सोच रहा था वो अलग था और वहां पे सिचुएशन जो है वो लिटरली अलग थे। मैं आपको बता दूं, मैं लिटरली स्टार्टिंग में नॉर्मल था वहां पे जाके, किंग ने एक दो गाने पे परफॉर्म किया, पर उसके बाद जो मैंने तबाही मचाई है ना भाई, हर कोई मेरे को वहां पे देख रहा था कि भाई ये लाइन टू लाइन कैसे बोल रहा है हर एक सॉन्ग। जैसे कि भाई मेरे कॉन्टेक्ट में जितने भी बंदे हैं ना, उनको सबको पता है कि भाई मैं किंग का कितना बड़ा फैन हूँ। एंड गाइस यू कैन चेक इट आउट दैट मेरा गला भी बैठ गया है वहां पे चिल्ला चिल्ला के, मैं इतना ज्यादा जोर जोर से गाने गा रहा था ना। एक्चुअली मेरा तो भाई मेरा हेल्थ ही ठीक नहीं था, सच बताऊं तो मैं कोल्ड फीवर सब कुछ था, पर फिर भी मेरे मन को मैं बोल दिया कि भाई मुझे जाना है, मतलब जाना है। मेरा ड्रीम ही था कि भाई उसको देख तो लूं कम से कम, मिलना तो दूर की बात है। भाई जो ड्रीम मैं देख रहा था ना यार, पूरा कर दिया, जा गया, मजा आ गया। किंग भाई लव यू मोर, फुल पावर, तरक्की करो। मैं पर्सनली ऐसे बंदों को लाइक करता हूँ जो बंदे लाइफ में भाई जीरो से आके जब हीरो बनते हैं ना यार, भाई दैट इज द बेस्ट फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि जब आप जीरो होते हो आपको कोई नहीं पूछता भाई जिंदगी में कि आप क्या कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स मैटर। जो बंदा रिजल्ट दिखाता है ना और जो मेहनत करके ऊपर आके सबका इंस्पिरेशन बनता है ना भाई, हैट्स ऑफ टू देम हु डू दिस थिंग। उसके लाइफ में जो सिचुएशंस बीते हैं ना, इफ आई टॉक अबाउट 2-3 years, 4 years बैक, जो मेरे एज में उसने जो बीत के आया है और जो भी उसके साथ हुआ है, वो सिचुएशन सिमिलर करते हैं मेरे लाइफ से, मेरे प्रॉब्लम से। मैं उसको फील कर सकता हूँ कि मेरे जो प्रॉब्लम से, मैं जो सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मैं गुजर चुका हूँ, वो सिचुएशन से आके जो बातें मैं बताना चाहता हूँ ना, वो बातें सिर्फ वो गाने में बता देता है यार। दैट इज ही स्पेशलिटी, समझ रहे हो? ही सेम लाइक मी। मैं खुद को उसमें देखता हूँ क्योंकि भाई जो वो गोल सेट कर गया है और जो सिचुएशन बीत गया है, लिटरली आई एम ऑल्सो फेसिंग दिस ऑल सिचुएशंस, एंड उसके गोल्स और मेरे गोल्स जो है सेम है। आप सब कभी होप लूज मत करना। जो बंदा जीरो से आके आज के दिन इतना कुछ कर सकता है तो भाई व्हाई कैन नॉट वी डू इट, हम भी कर सकते हैं। होप जैसी नाम की चीज को आप थोड़ा बहुत पेशेंस से रखोगे ना, एनीवन विल नॉट स्टॉप यू टू डू एनीथिंग। भाई जब बड़े चीजें करने के सोचते हैं ना यार हम लोग, देयर इज नथिंग टू लूज, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए इतने सारी चीजें है ना, यू कैन नॉट जस्ट थिंक ऑफ इट, वर्क फॉर इट, वॉट यू लाइक एंड वॉट यू आर इंटरेस्ट। यार किसी से डरना नहीं है, जो अपने को अच्छा लगता है वो करो एंड फुल तरक्की करो, फुल पावर। एंड मैं बता दूं आपको कि भाई मैं क्लिप्स विद म्यूजिक मैं नहीं डाल सकता, किंग का जो सॉन्ग है ना, ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। इफ यू वांट टू सी दैट हाउ आई एंजॉयड द होल कॉन्सर्ट, आप जाके फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल्स डिस्प्ले हो रहे होंगे, एंड मैं ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, देयर यू विल सी कि भाई मैं कितना एंजॉय करा, सब कुछ वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है। इसी गुड नोट पे भाई वीडियो को एंड करते हैं। एंजॉय एवरी मोमेंट इन योर लाइफ, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, क्या पता हम कल रहे या ना रहे, तो वो माइंड में रखते हुए हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, मजे लो जिंदगी में। अप्स एंड डाउन्स तो होता रहता है क्योंकि रोलर कोस्टर राइड है लाइफ की। मिलते हैं यार आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहो, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड गुड बाय, पीस आउट। Oh,